बच्चों, आज हम निबंध के बारे में पहला दिन जानेंगे। आज निबंध का एक टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं, अनुशासन का महत्व। अनुशासन, अनु माने होता है पीछे और शासन का अर्थ होता है नियमबद्ध प्रणाली के अंतर्गत रहना, शासित होना। यानी शासन के नियमों को मानते हुए अनुकरण करते हुए, अनुसरण करते हुए चलना ही अनुशासन कहलाता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में कहीं पर आप, कहीं पर हो, हम कहीं पर हो, हर जगह अनुशासन के नियमों को पालन करना, अनुशासित रहना अत्यावश्यक है। हमें कभी भी इससे हटना नहीं चाहिए, इससे दूर नहीं होना चाहिए। हमारी जीवन शैली अनुशासित होनी चाहिए। लाभ हानि, अनुशासन से तो हानि है ही नहीं, लाभ ही लाभ है। हां, यदि हम और आप या कोई अनुशासन के नियमों को तोड़ता है, भंग करता है, उसके परे चले जाते हैं, तो हमें हानि का सामना करना पड़ता है। आप स्कूल में हो, विद्यालय में हो, कक्षा में हो, शिक्षकों के साथ हो, खेल के मैदान में हो, सड़क पर हो, सिनेमा घर में हो, रेलवे स्टेशन पर हो, कहीं भी हो, आप गाड़ी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, आपको हमको वहां भी अनुशासन के नियमों को पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जब हम सड़क पर चलते हैं तो बाईं ओर चलते हैं, यानी बाईं हाथ की ओर चलते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि वह हमारा सही दिशा है, वह अनुशासित दिशा है। हमें अनुशासन में रहने पर, उसके नियमों को पालन करने पर बहुत कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसका प्रतिशत नगण्य होता है। इसलिए अनुशासन पालन करें। अब आइए, अनुशासन का जो महत्व है, एक व्यक्ति जो आप सुबह से शाम तक यदि आप हर काम को समय पर कर लेते हैं तो आपका जीवन शैली अनुशासित होगा। और आप मिला करके देख लोगे, आपके जीवन में हर एक काम के लिए आपको समय भी निकल जाएगा, आप जो चाहते हैं वह सारा पूरा हो जाएगा, समय की कमी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अनुशासन, अनुशासित जीवन शैली। यदि हम और आप अनुशासन को भंग करते हैं, जैसे खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, आचार विचार, इसमें अगर हम अनुशासित नहीं होते हैं तो हमें प्रतिकार का सामना करना पड़ता है, हम दूसरों को कहने का अवसर प्रदान कर देते हैं। जीवन में जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का जी, मतलब आप देखते होइएगा, आप देखते हैं कि 32 दांतों के बीच में जीव रहता है, जीव कितना अनुशासित है। यदि अनुशासित नहीं रहेगा तो 32 दांत उसे जीव के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, जीव को जीव नहीं रहने देंगे,
जगह जगह उसको कुतर देंगे, काट डालेंगे। बताइए 35 लाखों के बीच में रहने वाला जीव भी अनुशासित होकर के टिल डेथ दांत टूट जाता है जबकि इसकी इतनी संख्या है, लेकिन जीव साथ रहता है। इसलिए हमें इनसे भी सीखना चाहिए, हमें सूर्य से सीखना चाहिए। ज्यादा हो गर्मी प्रसाद हो, निश्चित अवधि पर वे उगते और डूबते हैं, जो अनुशासित है। मौसम परिवर्तन भी अनुशासन के नियमों को सिखाता है। पेड़ पौधों में आने वाला फल फूल भी अनुशासित जीवन को बताता है। तो जैसे इन चीजों के द्वारा अनुशासित पूर्ण जीवन शैली दिया जाता है, हम मानवों को भी उसी से कुछ सीखना चाहिए, है ना। अब आइए, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि हर कदम कदम पर, हर क्षेत्र में, जीवन के हर मोड़ पर हमें आवश्यकता पड़ेगी किसकी? अनुशासन की। यदि हम अनुशासित हैं तो निश्चित है कि सफलता हमारा चरण चूमेगी। यदि हम अनुशासन को तोड़कर उसके विपरीत चलते हैं तो हमें उदंडता, चंचलता, उच्चलता बढ़ जाएगी और हम किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र के एक सभ्य नागरिक के रूप में अपना परिचय नहीं दे सकते हैं। यदि आपको हमको एक सभ्य नागरिक के रूप में, एक सफल मानव के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करना है, दिखाना है, तो आज से आप अपने जीवन को अनुशासित रखें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तात्पर्य यह है, निष्कर्ष यह निकलता है कि न केवल मनुष्य बल्कि जितने भी चराचर प्राणी हैं, से लेकर जितने भी चराचर प्राणी हैं, सब ने अनुशासित जीवन शैली को अपना करके ही अपने महत्व को कायम किया है। तो हमें, हम मनुष्य ही अब अभी से, इस समय से, अगर हमने कभी ऐसा नहीं किया है तो आज से ही हम अनुशासन के नियमों को पालन करते हुए आज से अनुशासित जीवन शैली, अनुशासन ही कर्तव्य के रूप में भी आ जाता है। जैसे मेरा कर्तव्य है कि आपको पढ़ाना और आपका कर्तव्य पढ़ना, यानी हम दोनों अनुशासित होंगे। मेरा काम है पढ़ा कर आना, नियम के अधीन होना, यह भी अनुशासन है। आप किसी समय पर होमवर्क, धन गृह कार्य, क्लास वर्क पढ़ते हैं, निश्चित समय से खाते हैं, निश्चित समय से सोते हैं, जागते हैं, खेलते हैं, तो आप भी अनुशासित हैं और अनुशासित व्यक्ति जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। इस प्रकार से यह जो है सो हो गया, इसको आप लोग अपने शब्दों में लिख लेंगे ताकि अनुशासन का महत्व, लेख का नाम हुआ अनुशासन का महत्व।